दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स बताने जा रहे हैं जो कि 2023 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन मिड कैप स्टॉक्स के अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर मिड कैप स्टॉक्स जो हम आपको बता रहे हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए जैसे ही इन्फ्लेशन थोड़ा कम होने लगेगा और कंपनीज में वापस ग्रोथ दिखने लगेगी तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं और DIIs यानी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मिड कैप स्टॉक्स में भी एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं जिससे स्टॉक की डिमांड बढ़ती है और जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ती है, इसलिए ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक हम आपको बता रहे हैं उनका बिजनेस और उनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इसलिए भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब उन 5 मिड कैप स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि 5 स्टॉक बताने का मतलब ये नहीं है कि आप 5 के 5 स्टॉक खरीद लो। इसके पीछे का पर्पस है कि आप इनके बिजनेस और इनके फंडामेंटल्स को समझें, उसके बाद आपको जो भी स्टॉक पसंद आता है आप उस पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है इस कंपनी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा जो कि आप लोगों से जुड़ी है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ये स्पेशल रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स ऐसी कुछ ब्रिक्स होती हैं, इसमें कास्टेबल्स आते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के कस्टम मेड प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि फर्नेसेस यानी भट्टी में यूज किए जाते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट फर्नेस में यूज किया जा रहा है इसका मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर में भी पिघलता नहीं है। और इनकी इस क्वालिटी की वजह से इनका यूज स्टील इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कंपनी तो रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 16%। ये कंपनी हमेशा अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करती है और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी रेगुलर इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज के लिए इससे कंपटीशन करना आसान नहीं होता है और ये इसके लिए कॉम्पिटेटिव एज बना देता है। इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन्होंने मनीहारी रिफ्रैक्टरीज कंपनी को एक्वायर करा था। उस कंपनी के पास ओडिशा में एक प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 10,000 टन है और ये कंपनी इसको बढ़ाकर 18,000 टन तक एक्सपेंड करना चाहती है। अब ये तो आपने इस कंपनी की क्वालिटीज जान ली हैं, तो अब एक रिस्क फैक्टर को भी समझ लीजिए। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये रॉ मटेरियल प्राइस सेंसिटिव है, तो अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है तो इनके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों हिट हो सकती है। अभी इस कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी ऐसा होता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो ये एक मिड कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,644 करोड़ है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 29.3% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.8% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो इसका जो कर्जा है वो 66.8 करोड़ है जो कि इसके एनुअल प्रॉफिट से बहुत कम है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.06 है, तो आप इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। इसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है -35.4 करोड़, जो कि एक कमी होती, लेकिन क्योंकि इस कंपनी ने फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं इसलिए वो कैश फ्लो नेगेटिव में है, तो ये कोई कमी नहीं है। इसका अर्निंग पर शेयर 20.4 रुपीस का है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 70.2% की होल्डिंग्स हैं। अब इसके वैल्यूएशन की बात करें तो इसका इंडस्ट्री पी 22.8 का है जबकि इस स्टॉक का पी 41.5 है, तो एक नजर में तो आपको ये स्टॉक ओवरवैल्यूड नजर आ सकता है, लेकिन क्योंकि इसका 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 44% है और सेल्स ग्रोथ भी 3 इयर्स का 38.6% है, तो ये इसको जस्टिफाई भी करता है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2022 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है और सितंबर 2021 के कंपैरिजन में भी सितंबर 2022 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इस कंपनी का नाम है RHI Magnesita India Limited और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 848 रुपीज। अब दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टॉक है ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है और इनके इंडिया में 9 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें टोटल 3,064 बेड्स हैं और इसमें से भी जो 2,500 बेड हैं वो ऑपरेशन के लिए हैं, जो कि इनके कॉम्पिटिटर से 2.2 टाइम्स ज्यादा है। ये कंपनी साउथ इंडिया बेस्ड है, मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इनकी स्ट्रांग प्रेजेंस है और इनकी स्पेशलिटीज ये हैं जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। इस कंपनी ने 2023 से 2025 तक के लिए कई सारे कैपेक्स प्लान्स अनाउंस करे हैं जिससे इनकी जो कैपेसिटी है उसमें 2,000 बेड्स और बढ़ जाएंगे। अब बेड तो जितने मर्जी बढ़ा लो लेकिन पेशेंट्स भी तो बढ़ने चाहिए ना,
वो बढ़ रहे हैं या नहीं यह हमें ऑक्यूपेंसी रेट से पता चलता है। तो फाइनेंशियल ईयर 18 में इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट था वो 51.8% था, जो कि अभी इम्प्रूव होके 58% तक चला गया है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने सनशाइन हॉस्पिटल को भी एक्वायर किया है, जो कि ऑर्थोपेडिक्स में फोकस करती है, यानी इनके हॉस्पिटल्स में बेड तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, और जनरल पब्लिक का जिस तरह का लाइफस्टाइल है इससे भी पेशेंट्स बढ़ने ही हैं। बाकी चाइना की कृपा रही तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की कोई कमी नहीं होने वाली है, तो इस कंपनी ने एक्सपैंड होना ही है। अब इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू कार्डियक साइंस से आता है 17%, उसके बाद न्यूरो साइंस से 11%, फिर रीनल साइंस से 9% रेवेन्यू आता है। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी एक मिड कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,697 करोड़, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 29.7% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.1% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 है, यानी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है। इसका फ्री कैश फ्लो 154 करोड़ का है, इसका अर्निंग पर शेयर 41.1 रुपीज है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 38.8% की होल्डिंग्स हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2019 तक ये कंपनी लॉस में थी, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और सितंबर 2021 के कंपैरिजन में भी सितंबर 2022 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इस कंपनी का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 1465 रुपीज। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड स्टॉक है ये स्टॉक भी आज से, तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसमें ये कंपनी ऑटो मैन्युफैक्चरर को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनके पास 6 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसमें से पावर ट्रेन सेगमेंट से इनका 37% रेवेन्यू आता है। पावर ट्रेन का मतलब कोई ट्रेन नहीं है, कार्स में जो इंजन और ट्रांसमिशन होता है उसको मिलाकर पावर ट्रेन बनता है। फिर इनका जो 19% रेवेन्यू आता है वो ऑटोनॉमस ड्राइविंग सेगमेंट से आता है, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। 11% रेवेन्यू कनेक्टेड व्हीकल्स और बचा हुआ 33% रेवेन्यू अदर सेगमेंट से आता है। इस साल इस कंपनी ने कुछ बड़े ऑर्डर्स जीते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डोमेन में $50 मिलियन की डील विन करी है। इसके अलावा यूरोपियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डील भी विन करी है, जिससे इनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग लग रही है। तो चलिए अब इनके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी एक मिड कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19,319 करोड़, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.1% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इसका डेट इसके एनुअल प्रॉफिट से कम है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है, तो आप इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी के पास 406 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, इसका अर्निंग पर शेयर 11.6 रुपीस का है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 40.1% की होल्डिंग्स हैं। अब दोस्तों इसके वैल्यूएशन की बात करें तो इस स्टॉक का पीई 60.8 है, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई से काफी हाई है, बट इसके पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 50.4% और सेल्स ग्रोथ 56% है, तो अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इस स्टॉक को कंसीडर करें। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2022 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 274 करोड़ का और सितंबर 2021 के कंपैरिजन में भी सितंबर 2022 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 83.48 करोड़ का। इस कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये स्टॉक हमने आपको आज से 5 महीने पहले 23 जुलाई को बताया था 536 रुपीज की प्राइस में और अभी इसकी प्राइस 704 रुपीज चल रही है, तो जिन्होंने तब बाय किया होगा वो अभी प्रॉफिट में होंगे। अब दोस्तों हमारा जो फोर्थ स्टॉक है इसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स। ये कंपनी फुटवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है। ये स्टॉक हमने आपको लास्ट मंथ 16 नवंबर को 780 रुपीज की प्राइस में बताया था और अभी इसकी प्राइस 842 रुपीज चल रही है। इसके बारे में जानने के लिए अब दोस्तों हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है ये कंपनी ओलियो बेस्ड केमिकल्स को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओलियो केमिकल्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो कि नेचुरल फैट्स और ऑयल से बनते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल एक ओलियो केमिकल है, पाम ऑयल भी ओलियो केमिकल है और इनका यूज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, एडहेसिव्स, प्लास्टिक कोटिंग्स और फार्मास्यूटिकल्स के अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है। ओलियो केमिकल्स की खासियत यह है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और इन्हें पेट्रोकेमिकल्स जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जा सकता है, इसलिए इनकी डिमांड काफी बढ़ रही है। ये कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट और वर्ल्ड के टॉप 6 ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है, इसलिए इनकी सेल्स भी पिछले 3 साल में 21% के रेट से ग्रो हुई है और इनके कस्टमर्स में कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसे ब्रांड्स आते हैं। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30.7% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.8% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 45 करोड़ का डेट है, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट 260 करोड़ है, तो आप इसे डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी के पास 5 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, अर्निंग पर शेयर 175 रुपीज का है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2022 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 260 करोड़ का, और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से लगातार इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और सितंबर 2022 में से 203 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इस कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 5,700 रुपीज। मैं जानता हूँ जिनकी कैपिटल कम है उनके हिसाब से स्टॉक महंगा है, लेकिन अच्छा स्टॉक है इसीलिए बताया है। तो दोस्तों ये है टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स जिन पर आप रिसर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि इन 5 स्टॉक्स में से मेरी किसी भी स्टॉक में होल्डिंग नहीं है, तो अगर इनकी प्राइस बढ़ती है या घटती है इससे मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब बताना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, और ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक अच्छा नहीं है, मैं सभी स्टॉक्स को नहीं खरीद सकता और बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेंज भी नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में